काम करें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय जी और भारतीय जनता पार्टी के दो वरिष्ठ नेता जिन्होंने समग्र झारखंड चुनाव की कमान संभाली है, ऐसे देश के कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी, मुख्यमंत्री असम श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी और आज इनके नेतृत्व में बैठे हुआ झारखंड भारतीय जनता पार्टी का स्वतंत्र समग्र नेतृत्वगण और आए हुए सभी पत्रकार छायाकार भाइयों बहनों, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं झारखंड की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करना चाहता हूं और यहां विराजमान बाबा बैद्यनाथ को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, पराक्रमी योद्धा बाबा तिलका मांझी, सिद्धो कान्हो, देवी फूलो जानो, ये सभी देश के वीर नायकों को नमन करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। बेरोजगारी से त्रस्त युवा, पेपर लीक से त्रस्त युवा आज भाजपा में आशा की दृष्टि से अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं और भ्रष्टाचार से गरीबों का विकास का धन अपने चेले चपाटों में बांटने वाली सरकार की जगह गरीब कल्याण करने वाली सरकार को भी झारखंड की जनता ढूंढ रही है। और भाइयों बहनों, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज एक चुनावी संकल्प पत्र लेकर आई है। जब मैं संकल्प पत्रक शब्द का प्रयोग करता हूं तब भारतीय जनता पार्टी बाकी सारी पार्टियों से अलग पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमारी राज्य सरकारों का इतिहास है, हमारी केंद्र सरकारों का इतिहास है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, हमने लिए गए सभी संकल्पों को पूरा किया है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और इसलिए हमारे संकल्प पत्र को झारखंड की जनता, विशेषकर पिछड़ा वर्ग, गरीब, आदिवासी, दलित और शहर के लोग बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ इसकी राह देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में उनकी उम्मीदों की
आशाओं का प्रतिघोष हो। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों झारखंड वासियों से चर्चा कर इस संकल्प पत्र की रचना की है। इस संकल्प पत्र केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, करोड़ों झारखंड वासियों की आशा और उम्मीदों का प्रतिघोष है। करोड़ों झारखंड वासी जो अपनी धरोहर की सुरक्षा करने के लिए कृत निश्चयी है, इसका प्रतिघोष इस संकल्प में है। कुशासन और भ्रष्टाचार का अंत करने की इनकी जो इच्छा है, इसका प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में है। गरीब कल्याण, इसका प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है। और देश की सीमाओं की सुरक्षा और आदिवासियों की भूमि, बेटी और रोटी की सुरक्षा, इसका भी प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है।